इस संवाद मेल में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के सभापति श्री रेवंत रेड्डी गारू, यहाँ पे उपस्थित AICC के सेक्रेटरी श्री रोहित चौधरी जी, मंच पर उपस्थित तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट CLP नेता साहब, जनरल सेक्रेटरी जी और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ कुछ अहम मुद्दे उठाने के लिए। जैसे कि प्रदेश कांग्रेस के सभापति रेवंत रेड्डी गारू जी ने कहा कि भाजपा के ही चुने हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत गंभीर आरोप हाल में ही एक प्रेस वार्तालाप में दिया। क्या कहा उन्होंने कि 2019 में पुलवामा में जो हमारे आर्मी के सेना के जवानों पर जो आक्रमण हुआ था उसमें सरकार की लापरवाही थी। मुझे लगता है कि भाजपा से सत्यपाल मलिक वो प्रथम नेता होंगे जो एक जिम्मेवारी पद पर थे, गवर्नर थे, जिन्होंने आज स्वयं भाजपा में रहते हुए ये कबूल किया है कि जो पुलवामा में हुआ वो एक सरकार की लापरवाही थी। इससे पहले भाजपा के किसी बड़े नेता ने अपनी सरकार की जिम्मेवारी कबूल या स्वीकार नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक साहब ने किया। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात बताई कि ये जो आक्रमण हुआ, जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए, इसमें सरकार की लापरवाही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कहा कि आप चुप बैठिए। ये दूसरा बड़ा खुलासा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि पुलवामा की सच्चाई देश के लोगों को पता चले। वो देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से सच्चाई छुपाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन उन शहीदों के प्रति, उनके शहीदों के परिवारों के प्रति, माताओं पिताओं उनके बच्चों के प्रति जो सच्चाई प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्शाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहते थे, छुपाना चाहते थे। और तीसरी बड़ी बात हमने देखी कि जैसे ही सत्यपाल मलिक साहब ने ये बात रखी तो उन पर भी CBI जांच हो गई। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये सरकार, इनके पास तथ्य नहीं है ये दिखाने के लिए कि सत्यपाल मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं। दे डोंट हैव द फैक्ट्स टू प्रूव दैट व्हाट द
the former governor Satyapal Malik said was wrong. They don't have alternative facts. They don't have any counter statements. What they're trying to do is to silence the former governor. And the fact that a former army general chief, Sri Shankar Roy Chaudhary, in a recent media interview, he supported the former governor Satyapal Malik. ये बात सिर्फ सत्यपाल मालिक साहब नहीं कर रहे, रिटायर्ड आर्मी जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने भी कहा कि जो पुलवामा में हादसा हुआ उसमें सरकार की लापरवाही थी. एंड दिस इज अ डेकोरेटेड वॉर ऑफिसर हुज करियर हैज बीन ब्लेमिश फ्री, स्पॉटलेस करियर, डिग्निफाइड रिटायर्ड जनरल. And again, the BJP have nothing to counter what retired General Shankar Roy Chaudhary said. In a recent media event organized by a mainstream channel headquartered in Noida, Shri Amit Shah ji was asked that Amit Shah sahab, former Governor Satyapal Malik has made such allegations. What do you have to say? The Home Minister completely avoided the question. The Union Home Minister Amit Shah completely evaded the question. Us sawal se bhage wo. Jawab dene se bhage. Unhone mudda uthaya कि सत्यपाल मालिक साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बात सत्यपाल मालिक अमित शाह जी के अनुसार अब कर रहे हैं, उस समय नहीं किया था. दिस इज व्हाट ही सेड, व्हाट द यूनियन होम मिनिस्टर सेड इन द रीसेंट मीडिया इवेंट. एंड फ्रॉम द स्टेज ही लाइड टू द पीपल ऑफ इंडिया. Because they are media bites, we have recordings which show that Satyapal Malik, when he was then governor, had stated in media that this was an intelligence failure. So from that event, the Union Home Minister lied to the people of India, defamed the former governor, and completely avoided the question. And I must say, I have a lot of respect for journalism, for the field of journalism. But after that question, and after Mr. Amit Shah's reply, that senior journalist allowed the Union Home Minister to get away with a lie. Patrakar ne pucha, aapko kya lagta hai? Jawab mein bola ki unhone ab bol rahe hain, ab pehle kyun nahi bola? और पत्रकार फिर आगे चले गए, नहीं घेरा गृह मंत्री को. डिडंट आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन. दैट वॉज द फॉर्मर गवर्नर लाइंग व्हेन ही सेड दैट रिक्वेस्ट वॉज पुट फॉरवर्ड टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री दैट प्लीज सेंड अस अ चार्टर्ड प्लेन सो दैट वी कैन टेक दीज ह्यूज नंबर ऑफ ट्रूप्स. वॉज द फॉर्मर गवर्नर लाइंग? दिस शुड हैव बीन द फॉलो अप क्वेश्चन, अ डायरेक्ट क्वेश्चन. That was such a request being sent, yes or no, Mr. Home Minister? But the journalist and the event allowed the Union Home Minister to get away. I hope that in a subsequent media interview between a journalist, a reporter from any reputed media organization, whether national or vernacular, कि आप पूछेंगे गृह मंत्री से, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है आप पर, कि अगर गृह मंत्री जी हैदराबाद आए और आप लोग वहां पे होंगे वार्तालाप में, तो आप पूछेंगे कि क्या कोई रिक्वेस्ट आई थी आर्मी से कि उनको हवाई जहाज की जरूरत थी, हां या ना बोलिए. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस government
When it suits them, they will talk about jawans, they will talk about sportspersons, they will talk about beti, they will talk about corruption. And when it does not suit them, they will go completely mum. And because they have made a habit of not taking direct questions, there is nobody from the media to hold them accountable. The media represents the people. The media is there to give more information, to empower the people with the truth. They are the people's representative for holding the government accountable. But this government has made a habit of completely bypassing questions that they don't like, reporters that they don't like, channels that they don't like. So Congress Party is demanding a white paper. A white paper into the facts of what happened in 2019. A white paper which goes into all the points which have been raised by the former governor Satyapal Malik and further supported by former general, retired general Shankar Roy Chaudhary. Hum ek shwet paper, shwet kagaz ki mang karte hain, jahan par ye sare mamle jo Satyapal Malik sahab aur retired general Shankar Roy Chaudhary ji ne uthaye, us par ye sare mamlo ki jaanch ho aur desh ke samne ye sachchai aaye. Isi sandarbh mein आज हम आपके पास आए हैं, आपके समक्ष आए हैं, और जो हमारा सो मोटो स्टेटमेंट है यहीं पे समाप्त होता है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, द प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट इज हियर, एआईसीसी सेक्रेटरी इज हियर, वर्किंग प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम हियर. वी आर हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क. वी आर डिमांडिंग अ व्हाइट पेपर. And we are charging that the Union Home Minister escaped, avoided answering directly on this matter. Right now, we are asking through you that Union Home Minister, that former governor has made a serious statement, a retired army general has made a serious statement. If they are lying, show us proof. Don't send CBI to silence the former governor. Don't make false allegations from a public stage that what the former governor is saying is new and was not said then. He said it then. And be accountable to the people of India. Give us the facts and give us the truth. Because not only do the people of India deserve that, the families, the parents and the children of those jawans deserve it.